मधुबनी हत्याकांड को लेकर सियासत जगत में लगातार हो रही किरकिरी पर सीएम नीतीश कुमार ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ दी है। जेडीयू कार्यालय में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हत्या में शामिल किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा, साथ ही आरोपियों को जल्द सजा दिलाने के लिए स्पीड ट्रायल चलाने की बात कही। छपरा में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए दिन दहाड़ी वारदात को अंजाम दिया है। अपराधियों ने एक शिक्षक को गोलियों से भून डाला। घटना परसा थाना इलाके के बसदहिया के पास की है। बगहा के रामनगर शहर में स्थित शिव मंदिर परिसर में मानव सेवा संगठन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन रामनगर SDPO अर्जुन राल ने किया। इस शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मोतिहारी के चकिया प्रखंड क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में गैस टैंकर चालक पिछले 31 तारीख से हड़ताल पर हैं। चालकों का कहना है कि जब तक कंपनी निर्दोष चालक के परिवार को मुआवजा नहीं देती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। चैत्र माह के अष्टमी दिन प्राचीन शीतलाष्टमी के परिसर में लगने वाले मेले पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है के बावजूद श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ी है, जिसमें एक बार फिर कोरोना संक्रमण के फैलने की आशंका जताई जा रही है।